तो इसके बाद आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई भी प्रोफेसर यहाँ कैंपस में ज्वाइन होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, और अगर आप देश के खिलाफ बोलते हो और अगर कश्मीर पे बोलते हो, ये बताते हो कि कश्मीर गलत तरीके से ऑक्यूपाइड किया गया है, तो यह हम लोग कतई नहीं सहेंगे। और इसी फलस्वरूप प्रशासन ने तुरंत इसकी इंक्वायरी बैठा दी है, और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि कल शाम होते होते लगभग 8 बजे के आसपास हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी का भी स्टेटमेंट आ गया कि हम इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं, सौरभ और जी जो लोग भी इसमें शामिल हैं, इंक्वायरी जो की लोग क्या ये बात करना है भाई। चाहते एक हैं, सौरभ लेकिन जी, इम्पोर्टेंट सौरभ जी, बात एक है, कार्यक्रम हो मैं रहा एक था, एक सही चीज की वेबिनार हो रहा था, बात तो है, बता दो नौ चलना होगा ना, फरवरी रिमॉन कर रहा है वो। हाँ मैं बता रहा हूँ, 9 फरवरी 2016 में यस ऐसे ही नारे लगाए गए थे, ऐसे ही कश्मीर को अलग अरे करने अभी की अभी बात हम की इस गई बात थी, की बात कर और रहे हैं, वहां आगे भी आते हैं बोला सर, गया एक था। एक एक रियक्शन ले लें लोगों में सीधे। है सौरभ प्रेम शर्मा, शुक्ला उन्हीं जी लोगों में एक सेकंड, जिन्होंने एक सेकंड, जेएनयू नहीं में बीच में, वो बीच जो में मत पूरा रोकिए। माहौल बनाया था पाकिस्तान के सनी साथ, और सनी खुद जी, ही आपके नारे बीच लगवा में रहे नहीं हैं, कहा खुद गया ही ये था। बात है कि सनी प्रेम भीमल शुक्ला यहाँ जी, बैठे हुए हैं प्रेम शुक्ला और जी, अगर वो जो ऐसी बोल रहे हैं दोनों कश्मीर हमारा है, ये देखिए की जेएनयू में आवाज एक बंद बार कर चेंजेस दीजिए। हुआ है, चार प्रेम शुक्ला जी, आपसे निवेदन है सभी से कि प्लीज बात खत्म कर लेने दीजिए, अगले सेगमेंट में आएंगे, खूब लड़िएगा एक दूसरे से, बीच में मत रोकिए प्लीज। सनी जी भी और सौरभ शर्मा जी प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, अगर हमारे जी देश सर की जी, एक एक विश्वविद्यालय से इस तरह के स्वर लगातार हमें सुनाई देते हैं तो तकलीफ होती है। क्या जब ऐसी बातें समझ में आ गई कि ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले से कोई कार्रवाई क्यों नहीं, और आपको लगता है कि अभी भी देर हो गई सिर्फ कार्यक्रम को रद्द कर देना, और ऐसी बात आ गई इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिख दिया गया, वेबिनार हो रहा है उसमें ये शब्द लिख दिया गया, क्या ये गंभीर नहीं है, और इस पर सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? शुक्ला जी, लेकिन निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब तक कोई अपराधी अपराध ना कर दे, अपराध करने के पहले उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में नहीं है, ना भारतीय संविधान इस तरह की जो है अनुमति प्रदान करता है। चूंकि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे शब्द का प्रयोग संप्रभु भारत के अभिन्न अंग जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में जम्मू एवं जेएनयू के एक वेबिनार के कार्यक्रम में किया गया, तो निश्चित तौर पर यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और दंडनीय है। जिस तरह से भाई भारतीय संघ में जो है जम्मू एवं कश्मीर का विलय आधिकारिक तौर पर हुआ है, पाकिस्तान में उसका विलय नहीं हुआ था, पाकिस्तान ने उस पर जो है पाकिस्तान के कब्जे में आज जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का अतिक्रमण है, और भारत की संसद में 1990 के दशक में सर्वमत से किसी एक ने भी इस पर जो है विरोध नहीं किया, चाहे कम्युनिस्ट रहे हो, चाहे कांग्रेसी रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हो, जद डीएमके एआईडीएमके जितने भी दलों के प्रतिनिधि रहे संसद में, सब ने एक सुर में यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग है और उसको भी भारत में सम्मिलित किया जाना है। गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर भी जम्मू एवं कश्मीर का अभिन्न अंग होने के नाते भारतीय संघ का अभिन्न अंग है, यह स्पष्ट भूमिका होने के बाद भी आप गाहे बगाहे कभी अफजल गुरु के नाम पर नारे लगाएंगे, कभी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहेंगे, तो यह जो मानसिकता जो जेल में सर कुछ तो करेंगे वामपंथियों ना, ने पैदा की और यही यही विकसित तो की है, प्रश्न हमारा उनके आपसे खिलाफ था। आपराधिक कार्रवाई करना, हमारा प्रश्न शुक्ला जी उनके यही था खिलाफ कि आपराधिक कार्रवाई करना, करना यह दायित्व चाहिए, है और और निश्चित कोई तौर पर ऐसी होगा। कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना कि बार बार इस तरह की देश विरोधी बातें ना उठें, तकलीफ होती है ना सभी को। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी भी लेकिन हमारे साथ हैं सर, लेकिन आ रहे देश हैं प्रेम जी, विरोधियों आ के रहे हैं खिलाफ आपके पास, देशद्रोह की कार्रवाई की जाए, आते हैं सर, आते हैं। क्या हो रहा है उस कार्रवाई में ये भी अपन देख रहे हैं ना सर।